इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र को नई सौगात मिली। 47 वर्षों से संचालित देश का शासकीय क्लॉथ मार्केट अस्पताल में नई ओपीडी का शुभारंभ जिला कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 47 सालों से पश्चिमी क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों का इलाज इस अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम शुल्क पर, क्योंकि अस्पताल की पुरानी ओपीडी में रोजाना 400 मरीज आते हैं। ओपीडी छोटी होने के कारण ट्रस्ट की ओर से 13 स्क्वायर फीट की अत्याधुनिक ओपीडी का निर्माण किया गया था, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौर, जिला कलेक्टर मनीष सिंह, ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरधर गोपाल नागर के द्वारा किया गया। वहीं क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल के ट्रस्टी अध्यक्ष गिरधर गोपाल नागर ने बताया कि इंदौर के 52 विशिष्ट डॉक्टर के माध्यम से ये ओपीडी चलाई जा रही है। नई ओपीडी में सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, साथ ही ऑक्सीजन की समस्या ना हो इसको लेकर 100 सिलेंडर का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में अस्पताल द्वारा लगाया जाएगा। इसका फायदा यह है कि अस्पताल में मरीजों को वर्तमान में 1 टन का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, उसके साथ साथ ये प्लांट होने से 200 मरीजों की सेवा कर सकेंगे। इसके अलावा आईसीयू, डीआई और पीआईसीयू, एनआईसीयू के साथ अन्य विभाग भी इसमें हैं। वहीं अस्पताल के ओपीडी के उद्घाटन पर कलेक्टर ने कहा कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर आती है तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री इंदौर क्लॉथ मार्केट अस्पताल का नई ओपीडी शुभारंभ हुआ है, जिससे शहर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना को लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जुलाई 15 अगस्त तक इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। साथ ही इंदौर विधानसभा 4 की बीजेपी विधायक मालिनी गौर ने कहा कि करीब 1 करोड़ से अधिक की लागत से इस क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल का ओपीडी का निर्माण किया गया है। ये अस्पताल करीब 47 साल से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का इलाज कर रहा है, ऐसे में लोगों को नई सौगात मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना से संभावित तीसरी लहर को कहा कि ईश्वर ना करे कि तीसरी लहर का सामना इंदौरवासियों को करना पड़े, तो हमारी पीआईसीयू और एनआईसीयू पूरी तरीके से इससे निपटने को तैयार रहेगी। सर ऑक्सीजन प्लांट भी आगे मिलने वाले तो कितना क्या प्रोसेस है? ऑक्सीजन प्लांट भी क्लॉथ मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। प्लांट जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ पर लाइफ वैसे ही ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके लिए भी बढ़ाया जाता है, जो कि आने वाले ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। सर कोरोना की तीसरी लहर का जो मौसम तो उसके लिए प्रशासन भी कर रहा है, तैयारी अभी चल रही है। हम लोग ये निजी अस्पताल भी कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी कर रहे हैं। जब तक हो चुकी है कि अभी जुलाई है अंत 15 अगस्त तक पूरे हो गए, उनको निरंतर सभी को काम चल रहा है। क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल करीब 45 वर्ष पूर्व ये बना था और सभी लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएँ सभी लोगों को मिलेगी, तो जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत मिनिमम चार्जेस में ये हॉस्पिटल सभी ट्रस्ट के लोग चलाते हैं, वैष्णो ट्रस्ट, क्लॉथ मार्केट ट्रस्ट सब मिलकर इस संस्था को चलाते हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी सौगात है इस पश्चिमी क्षेत्र में।